तो लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा था कि हम लोग पूवर आइलैंड बीच रिसोर्ट से चेकआउट करके किए थे वहाँ का फेमस बोटिंग इन पूवर आइलैंड, जो बहुत ही अमेजिंग होता है और आपको जरूर करना चाहिए जब भी आप पूवर या कोवलम का प्लान करते हो। फिर वहाँ से निकलकर कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग आ गए अडिमला टेम्पल। सो पूवर से कुछ 20 मिनट लगा हम लोग को यहाँ तक पहुँचने में, और घुसते ही 20 रुपीज़ का टिकट हम लोग ने लिया और हम लोग आ गए अभी अडिमला टेम्पल। एंड ये देख सकते हो व्यू आगे का कुछ ऐसा है। वाह, ये पूरा ओशन यहाँ से। एंड लुक एट दिस बिग शिवा स्टेचू। ये पूरा 50 फीट टॉल है इस पूरा स्टेचू का हाइट। सो टेम्पल जो है 5 बजे के बाद खुलता है वर्शिप के लिए, लेकिन स्टेचू जो है आप कभी भी दिन के टाइम आके जो है देख सकते हो। बट लुक एट दिस सो ब्यूटीफुल शिवा स्टेचू। शिवा स्टेचू को अपने तट से उठाया था ना सर पे, हाँ, तभी उस पर उनका नाम पड़ा था गंगाधरेश्वर। आगे है कोवलम। सो कोवलम से पहले आपका आता ये अडिमला जगह, इस टेंपल को बोलते हैं अडिमला। पीछे टेंपल देख सकते हो, वहाँ से निकलने के बाद जो आगे है एक बीच। सो यहाँ पर जो कार पार्किंग का ऑप्शन है, रुक के जो आप देख सकते हो आगे का नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी खूबसूरत है। एक्चुअली हुआ कुछ यू कि मेरा जो ड्रोन है DJI Mini 2 वो 15 मीटर से ज्यादा उड़ता नहीं है, और मंदिर के सामने बहुत सारे पेड़ थे जो उससे भी ज्यादा ऊंचा था। अब मुझे लेना था शिवा स्टेचू का एक 360 डिग्री शॉट, जो बार बार लेते टाइम मेरे दिमाग में ही था कि चारों तरफ बहुत सारे पेड़ है और शायद लग भी सकता है। तो थोड़ा मैं डर डर के उड़ा रहा था, जिसके कारण शॉट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ा और अच्छे से शॉट्स लेने के चक्कर में मेरा ध्यान कम्प्लीटली शिवा स्टेचू के ऊपर चला गया था और ड्रोन जाकर पेड़ पे जा टकरा। अब वो ऐसा पेड़ के अंदर जाकर फंसा था कि नीचे से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, और ड्रोन के कैमरे से कुछ कुछ जगह दिख रहा था नीचे का, लेकिन उससे हम लोग पता नहीं कर पा रहे थे कि पेड़ की कौन सी जगह पर जाके वो अटका है। साथ में यहाँ पर और भी 2-3 पेड़ था, तो ये भी कन्फ्यूजन था कि कौन सी पेड़ पर जाके लगा है। तो फिर आसपास के बहुत सारे लोग जमा हो गए और सब लोग कोशिश कर रहे थे ढूंढने का ड्रोन को, लेकिन ड्रोन इतना छोटा था कि नीचे से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। फिर 1-2 बार मैंने ड्रोन को स्टार्ट करने का भी कोशिश किया, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था, शायद ब्लेड स्टक हो गया था पेड़ की डालियों में लगकर। अब उस दौरान कुछ लोग भी मिले, बोल रहे थे कि वो लोग पेड़ पे चढ़ के निकाल देंगे, लेकिन वो मुझे मंजूर नहीं था क्योंकि ड्रोन जाकर लगाता पेड़ के एक एज पर, और वहाँ तक पहुँचना बहुत ही रिस्की था। नहीं, मुश्किल है, बहुत बड़ा पेड़ है ना। हाँ, और एकदम एज में, वो भी एक बात है, अगर एकदम नीचे होता रूट के पास तो फिर भी सही था, कोई भी उठ के ला सकता था अभी, क्योंकि पेड़ की डाली टूटकर गिरने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का भी चांसेस था, और ड्रोन के लिए मैं किसी का लाइफ को भी जो है रिस्क में नहीं डाल सकता था। फिर मैंने डिसीजन बना ही लिया था कि यार अब छोड़ देते ड्रोन को यहीं पर, बहुत टाइम हो गया, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका था, कुछ आइडिया भी नहीं आ रहा था, और ड्रोन का बैटरी भी धीरे धीरे ड्रेन हो रहा था। जो बैटरी भी खत्म होने वाला है, 28% है बस, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है। अब एक चीज जो मैंने अच्छा किया था, और मैं यूजुअली करता भी हूँ जब भी ऐसी पब्लिक प्लेसेस में ड्रोन उड़ाता हूँ, हमेशा मैं परमिशन लेकर उड़ाता हूँ, तो मंदिर के अथॉरिटी से मैंने परमिशन ले रखा था, जिसके कारण सब लोग मेरा हेल्प भी कर रहे थे। एक पुलिस ऑफिसर भी मिले उस जगह पर, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया ढूंढने का ड्रोन के कैमरे से देख कर नेविगेशन के थ्रू, लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था ड्रोन नीचे से। फिर हम लोग के साथ जो था, जिससे हम लोग ने कैब बुक किया था, उसका नाम था अखिल, तो उसने और वहाँ के कुछ ऑटो वाले थे, उन लोग ने बोला कि आप फायर सर्विस को बुलाओ, वो लोग मदद कर देंगे, और वो लोग ऐसे सिचुएशन में मदद कर भी देते हैं। अब ये सुनकर पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आया कि ड्रोन निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को क्यों बुलाएंगे, उल्टा कॉल करते मुझे गाली पड़ेगा, बिकॉज ये थोड़ी कोई इमरजेंसी है कि वो लोग कॉल करते ही आ जाएंगे, और एक ड्रोन के लिए थोड़ी उनका टाइम और रिसोर्सेस वेस्ट करेंगे। लेकिन मैं गलत था, अखिल ने कॉल लगाया फायर ब्रिगेड को, और बोलते ही वो लोग 10 मिनट के अंदर
आ गए और उन लोग को देखकर मुझे एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था कि यार ड्रोन के लिए इतना कुछ हो रहा है और भीड़ लग गया था इस जगह पर। सब लोग मुझे ही पूछ रहे थे कि क्या हो गया, फायर सर्विस क्यों आए। और मुझे लगा कि यार आज तो मैं गया, मुझसे बहुत पूछताछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि ड्रोन में बैटरीज होती है और धूप में गर्मी के कारण ब्लास्ट होने से पेड़ पे आग भी लग सकता है। साथ में ये एक पब्लिक प्लेस है और लोग हर्ट भी हो सकते हैं अगर किसी के ऊपर गिरा, क्योंकि उसमें शार्प ब्लेड्स भी लगे हुए होते हैं। अब सुनने में ये शायद उतना खतरनाक लगता नहीं, लेकिन पब्लिक प्लेस में ये एक रिस्क फैक्टर था। उन लोग ने तुरंत अपना लैडर्स को लगाए और चढ़ गए पेड़ के ऊपर। और सब लोग नीचे नेट पकड़ के खड़े थे कैच करने के लिए। कमिंग। हाँ अभी वो नहीं होगा फ्लाई, उसके पंखा में कुछ होगा। भाई साहब ऊपर से जो है। हाँ गिरा। उतर गए ड्रोन। फाइनली ड्रोन मिल गया है, लकीली सब कुछ सही है, नथिंग इज ब्रोकन, सेफली आ गया। बाप रे बाप, केरला मेमोरीज। सब भी लगे यहाँ पर जो है। यू आर द मैन। यू आर द मेन मैन। ही गिव द आइडिया। फायर फोर्स। रिमेम्बर। तो यह ड्रोन मिल चुका था और सब लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल थे। फायर सर्विस के लोग, मंदिर के अथॉरिटी और साथ में जितने भी लोग थे आसपास के, सब लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। याद रहेगा हम लोग को ये केरला ट्रिप इस बार का, हम लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिले। सो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। और फिर हम लोग निकल पड़े और किए अपना लंच। सो अभी बज रहे 5:30 बजने वाले हैं। वी आर हैविंग लंच नाउ। वी आर फीलिंग हंग्री, वेरी हंग्री टुडे। सो वी ऑर्डर्ड सम केरला थाली, देखते हैं कैसा होता है। एंड अखिल, दिस अपलम हियर केरला आइस और वेरी पापड़म, और वी से इन तमिल दैट अपलम, बट दिस इज टेस्ट इज आल्सो डिफरेंट। दिस इज, या आई नो, दिस इज वेरी क्रिस्पी। And when he has exam also tomorrow, you need to download. And I am studying on with the drone. He study, he has history. What? Which exam tomorrow? Media and communication. Media and communication. And today he is studying with the drone. So that is also part of media. Yeah, of course. So अभी खाते। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी लंच हो गया, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हम लोग का होटल है कोवलम बीच पे सामने, कुछ देर 2 किलोमीटर के आसपास उधर ही है। तभी चलते हैं, थक गए पूरा दिन भर, बहुत ही रोलर कोस्टर राइड, बहुत आज रोना धोना हुआ। हाँ रोना धोना बहुत हो गया, रोलर कोस्टर एकदम, जो जर्नी था आज हम दोनों का पूरा दिन वेस्ट हो गया बस एक ड्रोन के चक्कर में। यही है, अगर ड्रोन 15 मीटर के ऊपर चढ़ता नहीं है तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था, ये था रेस्टोरेंट द टेस्ट ऑफ केरला। तो इसी में हम लोग लंच किए, लंच क्या बोले, अभी तो लग रहा है डिनर ही हो जाएगा कुछ देर बाद। तो हम लोग जो है पहुंच गए अभी अपने होटल पर। एक्चुअली होटल जाने का रास्ता जो है इधर से है नहीं, थोड़ा जो है नीचे का कैसा रास्ता है, गाड़ी जाता नहीं, वो लोग आएंगे फिर हम लोग को लेके जाएंगे यहाँ से। तो लगेज जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, जो रास्ता बहुत नैरो है तो जा नहीं पाएंगे। इफ़ यू आर कमिंग टू केरला यू कैन कॉन्टेक्ट दिस गाई अखिल, ही विल हेल्प यू। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ओके थैंक यू, बाय बाय। अपन आ गए अभी अपने होटल पर और आगे है बीच, देख सकते हो। और अभी सनसेट भी होने वाला है और सो नाइस। और इस होटल का नाम है होटल सी व्यू पैलेस। थोड़ा रास्ता ढूंढने में थोड़ा डिफिकल्टीज है, हाँ तो गली गली होके आना पड़ता, लेकिन उन लोगों को कॉल कर देने से वो लोग आके जो है लगेज वगैरह पिक करवा लेते हैं। तो
तो हम लोग का छत वाला रूम है क्या टॉप, लेकिन अच्छा है छत से आराम शाम को बैठ के बीच का नजारा। यहाँ से फिर से ड्रोन फ्लाई करेंगे और जाके कोकोनट ट्रीज पे लगा देंगे जाके, यहाँ से व्यू अच्छा है अभी।